कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए चीन से भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करके शनिवार वापस लाया गया। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के वुहान में रह रहे भारतीय नागरिकों को शनिवार सुबह एयरलिफ्ट कर वापस लाया गया। एयरलिफ्ट किए गए भारतीय नागरिकों में कुछ छात्र भी शामिल थे जो वहां रहकर पढ़ाई कर रहे थे। एयर इंडिया की एक स्पेशल फ्लाइट शुक्रवार को भारत से वुहान के लिए रवाना हुई थी, जिसमें 5 डॉक्टरों की एक टीम भी थी। शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट वुहान से 324 यात्रियों को लेकर लैंड हुई। 6 भारतीय नागरिकों को बुखार के चलते नहीं लाया गया। एयरपोर्ट पर वुहान से आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए स्क्रीनिंग कैंप बनाया गया है, जहां उनकी जांच की गई। चीन से एयरलिफ्ट किए गए लोगों के लिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावनी इलाके में ITBP ने 600 बेड वाला एक स्पेशल वार्ड बनाया है, जहां संदिग्धों को रखा जाएगा। इसके लिए डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम भी लगी हुई है। वी हैव द टीम ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, वी हैव टीम ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, वी हैव डॉक्टर्स फ्रॉम वेरियस CAPF फोर्सेस, फ्रॉम ITBP, BSF, CRPF and other paramilitary forces. They will be deployed here for at least 14 days as per protocol, or maybe that period may be extended to another 15 days. And we will be receiving them in the airport, our buses with security element. They will be there in the airport. After screening, we will receive them in our center, quarantine center we have established here. चीन में लगातार जानलेवा होते जा रहे कोरोना वायरस को देखते हुए हर देश चीन में बसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ कदम उठा रहा है। चीन में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसके कहर से वहां 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।